मैडम सर, आजकल के एक्टर्स लाखों करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन अपने साथ लेकर घूमते हैं, जिसमें वो आराम करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। मगर पहले के टाइम पर वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी और तब एक्टर्स को कपड़े चेंज करने, वॉशरूम जाने और शूट के बाद रेस्ट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक्टर तो कार में कपड़े चेंज कर लिया करते थे, मगर एक्ट्रेस को ड्रेस चेंज करने और वॉशरूम जाने के लिए वापस होटल जाना पड़ता था, जो कि एक काफी बड़ी समस्या थी, जिसमें काफी टाइम वेस्ट और मेहनत लगती थी। फिर पूनम ढिल्लो मैम ने फॉरनर से आइडिया लेकर एक बस को वैनिटी वैन में चेंज कर दिया, जो कि काफी कंफर्टेबल था और इसको देखकर और भी एक्टर्स ने इसी प्रोसेस को अपनाया। सही मायनों में पूनम ढिल्लो मैम ने ही वैनिटी वैन का आविष्कार किया और इसकी शुरुआत भारत में की। तो सिनेमा के बारे में कुछ हटकर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और